Good morning. Very good morning. कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे ही होंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे दो बुक से, केसी सिन्हा और आर डी शर्मा से। तो मैं थ्योरी तो आपको बता ही दिया हूं और कई सारे फॉर्मूला को मैं सिद्ध करके बताया हूं, हालांकि वो सारे फॉर्मूला को अभी मैं यहां पर लिखूंगा। तो आपका थ्योरी हो गया है, फॉर्मूला को मैं सिद्ध करके बता ही दिया हूं, एनसीईआरटी के एग्जांपल आपका हो गया है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, यानी कि उधर आपका सब कंप्लीट हो गया है। अब सिर्फ आपका अदर बुक बचा है। अदर बुक में आज मैं दो बुक से आपको बताऊंगा, एक आपका रहेगा केसी सिन्हा और एक रहेगा आर डी शर्मा। इसमें मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताऊंगा और फिर आपको पूरा एग्जांपल्स और एक्सरसाइज बनाना है, और यदि आपसे नहीं बने, कोई दिक्कत या समस्या हो, तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा, समझे? तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन बनाने से पहले जो फॉर्मूला यूज होगा उस फॉर्मूला को मैं एक बार और लिख देता हूं ताकि आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हो। क्या क्या फॉर्मूला है आइए मैं इसको लिखता हूं, याद भी होगा आपको, आप इतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि आपको याद होगा, फिर भी एक बार फॉर्मूला सामने रहता है तो अच्छा रहता है। आइए फॉर्मूला देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। नंबर वन हम लोग पढ़े थे साइन थीटा बराबर जीरो इंप्लाइज थीटा बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जे। नहीं, यही पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर कितना? एन पाई। क्या पढ़े थे जी? साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर एन पाई। एन क्या होता है? एन आपका जेड में होता है और जेड आपका क्या है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। जेड क्या होता है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। यहां पर लिख दीजिए जेड के बारे में, ये आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या होता है, समझ गए? साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर एन पाई, जहां पर एन आपका इंटीजर है यानी कि पूर्णांक संख्या है, ठीक। दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा पढ़े थे कॉस थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्या। अच्छा, जेड को आप लोग आई से भी लिख सकते हैं, समझे? जेड को आप लोग आई से भी सूचित कर सकते हैं। क्या हुआ? साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर एन पाई, कॉस थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। फिर आप क्या पढ़े थे? तीसरा पढ़े थे टेन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। क्या पढ़े थे? टेन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर एन पाई। आपका साइन और टेन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, समझे? साइन और टेन दोनों का फॉर्मूला आपका सेम होता है, साइन और टेन का फॉर्मूला आपका सेम होता है, ठीक है। फिर देखिए कॉस हो गया, अब कॉट थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू, जहां पर एन बिलोंग्स टू जेड। यानी कि कॉट थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। एक चीज देख लीजिए कि कॉस और कॉट ये दोनों फॉर्मूला आपका सेम होता है, समझ गए?
कॉस और कॉट आपका सेम होता है, याद करने का तरीका भी यही बढ़िया है कि सी सी से स्टार्ट होगा तो दोनों सेम में रहेगा, नहीं सी सी से स्टार्ट होगा तो आपका क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। या आप जानते हैं एक और भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेन के फॉर्मूला में साइन बाय कॉस होता है, ऊपर साइन है तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस ऊपर है तो इसमें कॉस का फॉर्मूला लगेगा, यह भी एक तरीका है याद करने का, समझे। फिर आइए और क्या पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे पांच नंबर, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। क्या पढ़े थे आप, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस वन पे पावर एन इंटू अल्फा, जहां पर आपका एन क्या है, पूर्णांक संख्या है। फिर क्या पढ़े थे आप पढ़े थे कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग टू जेड, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, समझे, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर n belongs to j, ठीक है। और फिर सात नंबर आप क्या पढ़े थे, आप पढ़े थे tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n belongs to j, समझ गए, tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहां पर n belongs to j। और क्या नहीं पढ़े थे, तो उसके बारे में मैं आपको नोट में एक चीज बताया था ना, क्या मैं आपको बताया था नोट में, तो नोट था कि sec थीटा एंड cosec थीटा ये कभी भी आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, समझ गए, sec थीटा एंड cosec थीटा कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, नंबर वन ये था। और नंबर टू में मैं क्या बताया था आपको, जैसे यहां पे साइन कॉस टेन तीनों फॉर्मूला लिखे ना, तो यदि आपका कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक अल्फा रहे, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्योंकि आप कॉसेक उल्टा दीजिएगा तो साइन में बदल जाएगा। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि आपका सेक थीटा, समझे, सेक थीटा बराबर सेक अल्फा रहे, तो इसमें cos थीटा बराबर cos अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, और cot थीटा बराबर cot अल्फा रहे, तो इसमें हम लोग tan थीटा बराबर tan अल्फा ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार मैं आपको फॉर्मूला के रिवीजन करा दिया, ताकि आपके दिमाग पे रहे, क्योंकि फॉर्मूला यदि जानते हैं तो सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार फिर से आप इसको नोट कीजिए, और आइए आज हम लोग केसी सिन्हा प्लस आरडी शर्मा के कुछ सिलेक्टेड सवाल को बनाते हैं, ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने में तो टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया। आइए अब हम लोग केशव सिन्हा से एक्सरसाइज 8.1 को बनाते हैं।
एक्सरसाइज 8.1 कौन सा वो जो के सी सिन्हा टाइप वन टाइप वन में क्वेश्चन नंबर देखिए वन क्या है कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है मैं एक बता देता हूं फिर आप बना लीजिएगा तो मैं जो सबसे ज्यादा टेढ़ा है उसको बताता हूं x इक्वल टू माइनस टू बाय रूट थ्री समझे sec x ये आपका आठ नंबर में दिया हुआ है इस चीज को हम लोग बनाते हैं तो आइए सॉल्व कीजिए सॉल्व क्या कीजिएगा सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है दिया है यानी कि गिवन sec x बराबर 2 बाय माइनस रूट थ्री और sec का तो हम लोग फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं हम लोग को ये चीज किस पे लाना पड़ेगा तो हम लोगों को लाना पड़ेगा sin cos tan cot इसी में लाना है तो ऐसा कीजिए ना इसको आप क्या कीजिए तो इसको आप cos बदल लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा कॉस में बदल लीजिएगा तो क्या कीजिएगा कॉस एक्स इधर पलट जाएगा तो कितना हो गया रूट थ्री बाय टू समझ गए रूट थ्री बाय टू देखिए ये सब सेक कॉसेक कॉट रहे ना तो ज्यादा अच्छा है इसको आप साइन कॉस टेन में बदल लीजिए तो ज्यादा इजिली बन जाता है और इसका फॉर्मूला भी हम लोग के लिए इजी होता है आसानी होता है तो क्या किए कि sec x बराबर माइनस टू बाय रूट थ्री है तो sec का उल्टा क्या होता है cos तो इसको cos में बदल दिए इधर उल्टा हो गया अब क्या कीजिएगा तो अब आप ये लिख दीजिए माइनस और रूट थ्री बाय टू तो cos इसका मान रूट थ्री बाय टू होता है तो cos 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बाय टू तो यहां पर लिख दीजिए cos 30 डिग्री आपको निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आपको ध्यान में रहे समझिए cos 30 डिग्री हो गया लेकिन ये दिक्कत ये कि माइनस में है तो वो आपको कैसे मैं बताया था क्वाड्रेंट बनाना पड़ेगा तो क्वाड्रेंट बनाइए इस प्रकार से बनाइए इस प्रकार से ये x y x डैश y डैश जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट याद कीजिए मैं आपको y एक्सिस पर चलने से मना किया था कि y एक्सिस पे आपको नहीं चलना तो x एक्सिस इधर तो आपका हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री अब देखिए तो cos आपका नेगेटिव है ना तो cos किस किस घर में नेगेटिव होता है तो दूसरा और तीसरा घर में नहीं पहला और चौथा घर में तो cos पॉजिटिव होता है समझिए पहला चौथा घर में cos पॉजिटिव होता है दूसरा और तीसरा में cos नेगेटिव होता है तो आप क्या कीजिए कि cos यहां पर आपका हो गया नेगेटिव और cos आपका यहां पर हो गया निगेटिव ठीक है इस घर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा 180 में से माइनस करना पड़ेगा और इस घर में आने के लिए 180 प्लस करना पड़ेगा इस घर में आना है तो 180 माइनस और इस घर में आना है तो 180 प्लस कितना प्लस या कितना माइनस तो देखिए यहां पर आप लिखे हुए हैं 30 डिग्री यानी कि यहां आपका हो गया 30 डिग्री
यानी कि 30 डिग्री, समझे। तो देखिए तो क्या हो गया, कहने का मतलब है cos x इक्वल टू cos, अब इस माइनस को छोड़ दीजिए, अब क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 180 डिग्री घटाओ 30 डिग्री, या यहां से 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो ही मिलता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि मुख्य हल, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन को, मुख्य हल या प्रधान हल, इसको बोलते हैं मुख्य हल या प्रधान हल बोलते हैं, ठीक। और ये जब भी मिलता है दो ही मिलेगा, मैं आपको थ्योरी में बताया था। तो देखिए तो कितना हो गया आपका, जो cos x बराबर cos 180 से 30 गया तो 150 डिग्री, और cos 180 जोड़ 30 तो 180 प्लस 30 कितना जी 210, यानी कि ये आपका आ गया 210 डिग्री। लेकिन डिग्री में आपको नहीं लिखना है, आपको इसको बदल देना है रेडियन में, तो रेडियन में बदलिए। क्या तरीका है रेडियन में बदलने का, तो cos x बराबर cos 150 पाई बटे 180 से गुना कर दीजिए, रेडियन में यदि बदलना हो डिग्री को तो पाई बटे 180 से गुना करते हैं, और यहां पर क्या हो गया आपका cos 210 पाई बटे 180 से आप गुना करते हैं। जो कट सकता है काटिए, क्या कटेगा, 00 खत्म, 3 से काटिए 5 15 6 18, 00 खत्म, 3 से काटिए 7 21 और 6 18, ठीक है। तो देखिए तो क्या हो गया आपका, हो गया cos x बराबर cos 5 पाई बटे 6 और cos 7 पाई बटे 6। तो अब आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, यही दोनों एंगल, क्या लिखिएगा, देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या हो गया, तो पाई पाई बाय 6 7 पाई बाय 6 हिंदी में। अतः मुख्य हल पाई पाई बाय 6 7 पाई बाय 6, समझे, और यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। कोई समस्या कोई परेशानी तो आपको नहीं होनी चाहिए, बताइए कोई समस्या परेशानी है तो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। और अब इसमें जो और कुछ क्वेश्चन है आप उसको बना लीजिएगा, समझे, टाइप वन का जितना भी क्वेश्चन है। अब हम आपको टाइप टू बताते हैं, समझे, टाइप टू। तो टाइप टू में पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। आप नोट करने का मतलब है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। टाइप टू पढ़ते हैं, देखिए टाइप टू अब क्या है, इसमें जो आपका टाइप वन में जो क्वेश्चन बच गया आप उसको बना लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस सब का स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेकर इसका मैं वीडियो में डाल दूंगा, समझे। तो ये एक्सरसाइज तो आपको मिल ही जाएगा। याद रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास बुक नहीं भी है तब भी ये सब का मैं एक इसका फोटो लेकर मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, जिससे आप इसको बना सकते हैं। टाइप टू देखिए क्या कहता है, टाइप टू क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द following
ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 6 नंबर। कॉट स्क्वायर 5 थीटा इक्वल टू आपका है 0, समझे। और हम लोगों को इस बार निकालना है जनरल सॉल्यूशन। क्या है? कॉट स्क्वायर 5 थीटा बराबर 0 है और हम लोगों को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए, बाजू में 0 है तो कितनों पावर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 2 पावर रहे, 3 पावर रहे, 4 पावर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली बात कि आप इसका पावर को हटा दीजिए। तो हम लोग हटाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर 5 थीटा बराबर 0, पावर हटा दीजिए तो कॉट 5 थीटा बराबर आपका कितना हो गया, आपका हो गया 0। अच्छा, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, अभी मैं लिखा भी था फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप पढ़े थे कि cot थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इनटू पाई बाय 2 और साथ ही साथ n बिलोंग्स टू j, ये चीज आप पढ़े थे। तो इसी पर अप्लाई कर दीजिए। क्या पढ़े थे एक बार फिर से बोलिए, cot थीटा बराबर 0, cot थीटा बराबर 0, cot थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2। क्या पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे कि cot थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2। cot थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2, ये हम लोग पढ़े थे। तो इसी को सॉल्व कीजिए। तो यहां पर थीटा के जगह 5 थीटा है तो 5 थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 2, जहां पर n बिलोंग्स टू आपका हो गया j। और अब यहां से थीटा निकालिएगा, ये 5 यहां मल्टीप्लाई में है, गुना में है, समझिए ये 5 यहां पर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि इस 2 से गुना हो जाएगा तो 5 × 10 तो ये आपका हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाय 10, जहां पर n बिलोंग्स टू j और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए। थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाय 10, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। मैं एक बार मिला भी लेता हूं, मिलाना भी सही है, उचित है, मिला लेना चाहिए। तो 2 का आपका हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो है इसी में मैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को बनाता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3rd, जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक, कई सारा क्वेश्चन है इसमें से, कई सारा क्वेश्चन है इसमें, मैं एक आपको बता देता हूं जो सबसे ज्यादा टेढ़ा है, ऐसा है कि मैं बता देता हूं इसका 3 नंबर। कहता है sec 2 थीटा बराबर आपका है 2, बल्कि आपका बराबर है -2। इसी का हम लोगों को निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो आइए बिल्कुल हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे कीजिएगा, क्या करना है, तरीका आपको मैं पहले बता दिया हूं, फिर भी जब जरूरत पड़ेगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो sec थीटा का तो फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, इसको cos में बदल दीजिए। किसमें बदलिएगा, cos में। sec का फॉर्मूला नहीं जानते हैं हम लोग, sin cos tan यही 3 जानते हैं और यही 3 का आपको बनाना है, कुछ भी रहेगा उसको चेंज करके sin cos tan लाना है, समझिए sin cos tan यही 3 आपको लाना है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा बराबर -2 है तो sec थीटा इसको लिखिएगा 1 / cos 2 थीटा बराबर कितना,
माइनस टू हो गया, नहीं वन बाय कॉस टू थीटा बराबर माइनस टू। अब दोनों तरफ आप पलटी मार दीजिए, तो ये जो पलटी मारिएगा यहाँ पर हो जाएगा कॉस टू थीटा, और ये पलटी मारिएगा तो माइनस वन बाय टू हो गया, ठीक है माइनस वन बाय टू। अच्छा अब एक बात बताइए कि कॉस किसका मान एक बटे दो होता, माइनस को तो अभी छोड़ दीजिए, कॉस किसका मान एक बटे दो होता है? तो आप कहेगा सर कॉस तो 60 डिग्री एक बटे दो होता है। हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉस 60 डिग्री होता है। तो यहां पर लिख दीजिए आप 60 डिग्री, लेकिन ये तो माइनस में है, माइनस के लिए आपको क्या तरीका है कि आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। और यह मेहनत देखिए अभी तो मैं फोटो पे बनाता हूं आपको समझाने के लिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो किसी ऑटो फोटो की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक देखिए क्या कीजिएगा, इस तरह से बना लीजिए एक्स वाई एक्स डैस वाई डैस जीरो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक y एक्सिस का तो आपको यूज नहीं करना है क्योंकि y एक्सिस पे मान बदल जाता है। x एक्सिस में एक चीज देखिए कि ये हो जाता है 180 डिग्री और ये आपका है 360 डिग्री या 0 डिग्री भी आप इसको बोल सकते हैं। अच्छा cos माइनस है ना, सॉरी पहला और चौथा घर में तो cos प्लस होता है, cos माइनस दूसरा घर में होता है, कॉस माइनस होता है आपका किस घर में, दूसरा घर में और तीसरा घर में। कॉस कहां कहां माइनस होता है, तो कॉस माइनस होता है दूसरा और तीसरा घर, ठीक है। अब देखिए तो दूसरा घर का क्या तरीका है, 180 से कम यानी कि 180 डिग्री माइनस, और तीसरा घर में क्या तरीका है, 180 से ज्यादा। तीसरा घर में क्या तरीका है, 180 से ज्यादा यानी कि 180 डिग्री प्लस। अच्छा क्या जोड़िएगा क्या घटाइएगा, तो यहां से जोड़ना है 60 डिग्री आप पहले लिख चुके हैं, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री और यहां पर भी आप लिख दीजिए 60। बस समझिए कि आपका काम खत्म हो गया, फिनिश हो गया। अब देखिए क्या कीजिए, तो अब आपका हो गया cos 2 थीटा बराबर cos, एक आपको लिखना है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री और दूसरा आपको लिख देना है 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यही दो मान आपको लिखना है। और ये माइनस को आपको अब छोड़ देना है क्योंकि ये दोनों घर में तो cos आपका माइनस होता ही है ना। अब देखिए क्या कीजिएगा, implies cos 2 थीटा बराबर cos, ये तो 120 डिग्री हो गया और cos ये आपका हो गया 240 डिग्री। अब डिग्री को आप किस में बदलिएगा, रेडियन में बदल दीजिए, तो ये cos 2 थीटा बराबर cos 120 गुनी पाई बटे 180 कोस 240 गुनी पाई बटे 180 हो गया। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। देखिए तो 6 दूनी 12 6 18 60 से कट गया, 6 चौके 24 6 18 60 से कट गया, यानी कि क्या बचा, क्या बच गया देखिए तो आपके पास बच गया cos 2 थीटा बराबर cos 2 पाई बाय 3 और cos 4 पाई बाय 3, समझे, दो मान मिला। तो यहां पर अल्फा आपका कितना हो गया, अल्फा बराबर यही दोनों अल्फा कहलाता है 2 पाई बाय 3 और 4 पाई बाय 3, यही दोनों आपका कहलाता है अल्फा, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों लीजिए, कोई भी एक ले लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। और अब देखिए ना आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा
तो थीटा बराबर कितना जी, 2n+1, हाँ बल्कि ये नहीं, ये आपका जो है नहीं, आपका हो जाता है कितना, 2n π ± α n∈J, समझे, ये फॉर्मूला आपका लगता है। तो आइए आप ये लगा दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, इंप्लाइज 2θ बराबर, क्योंकि थीटा की जगह पर यहाँ 2θ है, 2n π प्लस माइनस क्या होता है, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n π प्लस माइनस अल्फा, तो 2n π प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर एक बार ले लीजिए 2π/3 और एक बार ले लीजिएगा 4π/3, तो एक बार हो गया 2π/3 या 2θ बराबर 2n π और एक बार आप ले लीजिए 4π/3 जहां पर n∈J, समझे, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं और दोनों ही सही होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आप दोनों लीजिए, कोई एक ले लीजिएगा आपका सही होगा, दो से दोनों में भाग दे दीजिए, इंप्लाइज थीटा बराबर n π प्लस माइनस π/3 या थीटा बराबर n π प्लस माइनस 2π/3 n∈J और यही आपका हो गया आंसर। इसमें से किसी एक को ले लीजिए आप, समझ गए, ठीक है, दिख रहा है, इसमें से किसी एक को लिखना है, हाँ कोई एक किताब में जो है ना, कोई एक आपको इसमें से आंसर मिलेगा, कोई एक मिलेगा, जो इच्छा है आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, जो इच्छा है आप लिख दीजिएगा, मैं देखता हूँ कि किसी सिन्हा में क्या आंसर आपका दिया है, तो ये आपका है 3 का 3, ये ऊपर वाला आंसर है, जबकि नीचे वाला भी आपके आंसर हो सकता है, समझिए, दोनों ही आपके आंसर हो सकता है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, समझे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 इसमें भी कई सारे क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन को बताऊंगा, सॉल्व क्या है, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इस चीज को हम लोगों को हल करना है, तो आइए हम लोग हल करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, गिवन, यानी कि दिया है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया 4। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस cos को sin में बदल दीजिए या फिर इस sin को cos में बदल दीजिए, दोनों ही आपका सही हो जाएगा, क्या बोले, या तो आप साइन कॉस को साइन में बदल दीजिए या साइन को कॉस में बदल दीजिए, दोनों ही सही होगा, लेकिन दोनों में आंसर आने का जो तरीका है वो दोनों आपका अलग अलग होगा, दोनों एक ही आंसर आपका नहीं आएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, त्रिकोणमितीय समीकरण में फॉर्मूला के बदलने से आंसर का फॉर्मेट बदल जाता है,
लेकिन आंसर तब भी आपका सही होगा, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट बदल गया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। आइए सबसे पहले मैं इसको साइन को कॉस में चेंज करके बताता हूं। तो क्या कीजिएगा, इंप्लाइज 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया देखिएगा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 प्लस गुनी माइनस माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो गया 4। तो देखिए बाबू क्या हो गया, 3 और यहां माइनस 7 तो माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 और ये 7 इधर गया तो माइनस 7 यानी कि आपका क्या हो गया माइनस 3 हो गया, समझ गए माइनस 3। तो अब ये माइनस आपका कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो गया और जब इसका आप वर्गमूल ले लीजिएगा स्क्वायर रूट तो प्लस माइनस रूट 3/2 हो जाएगा, समझे क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2। तो यहां पर आपको जो है ना दो चीज मिल गया, क्या मिल गया, तो एक बार वैल्यू प्लस और एक बार वैल्यू आपको मिल गया माइनस। तो अब देखिए तो क्या कीजिएगा, इसको आप इस प्रकार से लीजिए, इंप्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3/2 और कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3/2, समझे इस तरह से आपको दो मान मिला। अब ध्यान से देखिए क्या कीजिएगा, इसमें एक बात बताइए कि कॉस में कौन सा ऐसा एंगल है, कौन सा ऐसा कोण है जिसका मान रूट 3/2 होता है। तो आप बोलेगा सर 30 डिग्री, बिल्कुल सही है, नहीं 30 डिग्री होता है। तो आप इसको लिख दीजिए कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री और यहां पर कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस 30 डिग्री, ये तो ठीक है लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया ना, जब माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन लीजिए इस प्रकार से, देखिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस निगेटिव है तो कॉस आपका दूसरा घर और कॉस आपका तीसरा घर में निगेटिव होता है, दो जगह आपका निगेटिव है। यहां पर आपका हो जाता है 180 डिग्री माइनस और ये 180 डिग्री प्लस, ये आपका 180 डिग्री और ये 360 डिग्री हो जाता है। वाई एक्सिस को हम लोग इग्नोर करते हैं, समझे y एक्सिस को क्या करते हैं इग्नोर कर देते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और प्लस या माइनस में क्या लिखिएगा, तो यही वाला 30 डिग्री आपको लिख देना है। तो यहां पर लिख दीजिए 30 डिग्री, लिख दीजिए 30 डिग्री, समझे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज cos थीटा बराबर यहां से cos 30 डिग्री, यहां से cos थीटा बराबर cos एक तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री या cos थीटा बराबर दूसरा लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इस तरह से आपका तीन ऑप्शन बना। हालांकि एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि ज्यादातर ऑथर क्या करते हैं, ज्यादातर टीचर या बुक क्या करता है कि सबसे पहले वो ट्राई करता है पहला घर में, यदि पहला घर में मान मिल गया तो ठीक है अब आगे ट्राई ही नहीं करता है, फिर यदि पहला घर में वैल्यू नहीं मिला तो दूसरा घर में ट्राई करता है, यदि दूसरा घर में मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो
फिर यदि दूसरा में नहीं मिला तो तीसरा में ट्राई करेगा, तीसरा में नहीं मिला तो चौथा में ट्राई करेगा। तो वो लोग जनरली इस दोनों में से ना, इस दो में से, यहाँ तो एक तो ठीक है लेकिन यहाँ दो में से वो एक ही वैल्यू लिखते हैं और जो सबसे पहले आएगा वही लिखते हैं। जैसे कि मेरा दूसरा घर में 180 माइनस 30 डिग्री आ गया है, तो ज्यादातर बुक में आपका सिर्फ यही लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा। लेकिन मैं जितना भी संभव मान है सब मान को निकाल देता हूँ। रीजन ये है कि हमको आपको सिर्फ और सिर्फ 11-12 से मतलब नहीं है, हम लोगों को एयरफोर्स से मतलब है, नेवी से मतलब है, एनडीए से मतलब है, समझ गए? तो यदि इससे मतलब है तो आपको थोड़ा सा लिमिट से ज्यादा जाना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो फिर कैसे कीजिएगा। इसलिए मैं जितना संभव है सारे मान को निकाल देता हूं। अब देखिए आपका कितना हो गया, cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, cos थीटा बराबर cos 150 डिग्री, cos थीटा बराबर cos 210 डिग्री। और अब इस डिग्री को आपको बदलना है रेडियन में, चेंज कीजिए। तो cos थीटा बराबर cos 30 पाई बटे 180 से गुना कर देना है, cos थीटा बराबर cos 150 को पाई बटे 180 से गुना कर देना है, cos थीटा बराबर cos 210 को पाई बटे 180 से गुना कर देना है, समझे? और अब देखिए तो आपको क्या मिला, तो 6 3 18 देखिए, तो पहले तो 0 0 कट गया, 5 3 15 छेद के 18, 0 0 कट गया, 7 3 21 छेद के 18, समझे? तो देखिए तो क्या क्या मिल गया आपको, इम्प्लाइज cos थीटा बराबर cos पाई बाय 6, cos थीटा बराबर cos पाई पाई बाय 6, cos थीटा बराबर cos 7 पाई बाय 6 हो गया। और अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, फॉर्मूला आप जानते भी हैं कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू j। क्या बोले आपको, बोले कि cos थीटा बराबर cos अल्फा, क्या बोले, cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या बोले जी, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है? तो आइए तो लिखिए, तो यहां पर तो नहीं आटेगा तो मैं इस जगह पे लिख देता हूं, समझे? तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर है पाई बाय 6, और यहां से थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे पाई पाई बाय 6, और थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे 7 पाई बाय 6, और लास्ट में लिख दीजिएगा n बिलोंग्स टू j, और यही आपका हो गया आंसर, समझिए? इसमें से देखिए कि ये वाला तो आंसर आपका होगा क्योंकि तो इस केस में एक ही चीज आया था, समझ, यहां पर एक ही आया था, लेकिन ये और सब सारे बुक में जो है ना, इस दोनों में से कोई एक वैल्यू मात्र दिया होगा, समझे? इस दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक दिया होगा, मैं चेक कर लेता हूं, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऊपर वाला दिया होगा, लेकिन जितना पॉसिबल है मैं सारे आपके लिए निकाल देता हूं। मैं चेक करता हूं कि आपका केसी सिन्हा में कौन सा है, तो केसी सिन्हा में 4 का 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, 2n पाई प्लस माइनस पाई पाई बाय 6, ठीक, बिल्कुल सही है। ये भाई साहब सिर्फ इसी को दिए, मैं बोला था कि पहले पहला घर को ट्राई किया जाता है, पहला में नहीं मिला तो दूसरा को, दूसरा में नहीं मिला तो तीसरा, तीसरा में नहीं मिला तो चौथा, जनरली यही होता है।
लेकिन बच्चों मैं क्या कह कि क्योंकि आपका एम भी तो ज्यादा है, आपका एम सिर्फ इंटर पास करना तो नहीं है, एयरफोर्स नेवी एनडीए सब निकालिएगा, तो उसमें ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको उस लायक बना रहा हूँ। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेजी से लीजिए, टाइप फोर हम लोग बनाते हैं। टाइप फोर क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, इसमें से कई सारा क्वेश्चन है, एक मैं आपको बता देता हूं और ये मैं बता देता हूं आपका इसका 8 नंबर सॉल्व क्या करना है कि cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 और सिर्फ सॉल्व लिखा रहा है, इसका मतलब कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, समझे? सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है जी, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर आपका हो गया 0। ठीक है, अब बात है कि दो आपको दो, किसी दो को एक साथ रखना है तो किसको आप एक साथ रखिएगा। यहां पर देखिए ये 3x है, ये आपका ऑड नंबर है, x है यानी 1x है ऑड नंबर है, यहां पर 2x है इवन नंबर सम सिंग। जब आपको सम और विषम वाला समस्या हो ना, इवन और ऑड वाला आपको दिक्कत हो, तो इवन वाले को एक साथ रख लीजिए और ऑड वाले को एक साथ, यानी कि सम वाले को एक साथ और विषम वाले को एक साथ, ये दोनों विषम है इसीलिए इस दोनों को आप एक साथ रखिए। तो क्या कीजिएगा, यानी कि cos 3x प्लस cos x एक साथ माइनस cos 2x बराबर 0। और अब आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 c d। क्या बोले फॉर्मूला, हम फॉर्मूला आपको बताएं कि cos c प्लस cos d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। c के जगह पर है 3x, d के जगह पर है x। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 cos 3x प्लस x बाय 2 इंटू cos 3x प्लस x बाय 2 माइनस cos 2x बराबर आपका हो गया 0। देखिए तो क्या मिला, 2 cos 3 एक 4, 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2x इंटू cos 3 एक 4, 4 को 2 से भाग, एक माइनस होगा यहाँ पर, 3 से एक गया 2, 2 से को 2 से भाग दीजिएगा एक बचेगा, माइनस cos 2x बराबर आपका हो गया 0। तो यहां पर देखिए तो cos 2x कॉमन हो जाएगा, cos 2x कॉमन, तो क्या बच गया, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। कहने का मतलब है cos 2x बराबर 0 या 2 cos x माइनस 1 बराबर आपका क्या हो गया, बराबर 0 हो गया। अब
देखिए तो क्या कीजिए, यहां से cos 2x बराबर 0 और यहां पर कितना हो जाएगा cos x बराबर 1/2, माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 और यहां पे 2 गुना में है तो आपका भाग में हो जाएगा, समझे। तो अब यहां पर देखिए कि cos कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा सर 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 नहीं, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है, यहां पर हो गया cos 60 डिग्री। लेकिन डिग्री को आपको बताना है रेडियन, आपको क्या मिला देखिएगा तो cos 2x बराबर 0 या cos x बराबर आपका कितना जी 60 डिग्री का मतलब पाई बाय 3, यानी कि cos पाई बाय 3। और अब आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, एक तो होता है cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, क्या बोले cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 होता है, cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, और एक यहां पर आपका लगेगा cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, और दोनों ही केस में n बिलोंग्स टू j, यानी कि cos थीटा बराबर cos अल्फा तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अब आप अप्लाई कीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा थीटा के जगह पर कितना 2x बराबर 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, और यहां पर थीटा बराबर कितना तो थीटा के जगह पर x है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर आपका पाई बाय 3, और जब ये हो गया तो लास्ट में लिख दीजिए n बिलोंग्स टू j, ठीक है। कहने का मतलब है कि x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाय ये दो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 4, या x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 जहां पर n बिलोंग्स टू j, और यही दोनों आपका हो गया आंसर, समझे। एक बार मैं इसको मिला लेता हूं, देखता हूं कि आंसर क्या है। ये 9 का a, 9 का a, ठीक है, एकदम ही बिल्कुल सही है, ठीक बिल्कुल सही है बाबू, इसको नोट कीजिए। और अब मैं टाइप 5 आपको बताता हूँ, फटाफट इसको नोट कीजिए, नोट करने का मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ फटाफट लीजिए। टाइप 5 और आज का आखिरी क्वेश्चन ये है, पढ़िए क्या है टाइप 5। टाइप 5 सॉल्व, इसका मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 का पहला क्वेश्चन, √3 cos x माइनस sin x इक्वल टू आपका है 1, और इस चीज को सॉल्व करना है, तो मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, कुछ पहले का जो हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं उसका यूज करना पड़ेगा, क्या पहले पढ़े हैं मैं आपको बताता हूं, हम लोग पढ़े हैं कि a cos x प्लस b sin x, हाँ यदि आपका f थीटा बराबर इतना रहे, समझ गए, a cos x बल्कि थीटा में लिख दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ थीटा में ही लिख दीजिए, f थीटा बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो हम लोग क्या करते हैं,
कॉस और साइन के बाजू वाले कोएफिशिएंट को उठाते हैं और उसको वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग क्या होगा, तो कॉस थीटा के बगल में ए है तो ए स्क्वायर, साइन थीटा के बगल में है तो बी स्क्वायर, इससे भाग देते हैं, समझ गए, क्या करते हैं भाग देते हैं, तो भाग दीजिएगा तो गुना भी करना पड़ेगा, तब तथा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना भी करते हैं, ये मैं आपको पहले बताया था, समझ गए, जब हम लोग निकाले थे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो मैं आपको बताया था, समझ गए, इस तरह के फॉर्मेट को मैं आपको बताया था, आप देख लीजिएगा मेरा पुराना लेक्चर, हाँ उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर यही रूल फॉलो करना, तो देखिएगा तो ए यहाँ पर आपका क्या है, ए बराबर है कॉस के बाजू में रूट थ्री, बी बराबर साइन के बाजू में माइनस वन है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना तीन और माइनस वन का स्क्वायर एक, तो तीन एक चार और चार का वर्गमूल आपका हो गया दो, यानी कि दो के बराबर, तो क्या लिखिएगा देयरफॉर, इसमें आप क्या कीजिए दो से गुना भी कीजिए और दो से भाग भी दीजिए, तो क्या कीजिएगा रूट थ्री नहीं बल्कि दो आया ना, दो से गुना भी कीजिए और दो से भाग भी दीजिए, रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर आपका वन, ठीक है, दो से गुना किए और दो से भाग भी दे दिए, ये वाले दो को आप इस तरफ कर दीजिए भाग में और ये एक बटे दो है ना इसको आप अंदर घुसा दीजिए, क्या बोले फिर से सुनिएगा ध्यान से, ये बाहर वाला जो दो है इसको आप बटे के इस तरफ लेते हैं और इस दो को अंदर घुसा दीजिए, इंप्लाइज अंदर घुसाइएगा तो रूट थ्री बाय टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस एक बटे दो साइन एक्स, और ये दो गुना में है ना इस तरफ लाइएगा तो भाग में, यानी कि आपका हो गया एक बटे दो, समझ गए एक बटे दो, अब ये रूट थ्री है, ऐसा कीजिए कि आप बताइए कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू होता है रूट थ्री बाय टू, तो बोलिएगा सर कॉस 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है लिख लीजिए, यानी कि कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस एक्स माइनस एक बटे दो साइन में किसका मान होता है, तो कहिएगा साइन 30 डिग्री का, साइन 30 डिग्री बराबर एक बटे दो होता है, तो यहां पर लिख लीजिए साइन 30 डिग्री इंटू साइन एक्स बराबर वन बाय टू, तो अब एक फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या बोले कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यहां पर ए के जगह पर 30 डिग्री है बी के जगह पर, तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री जोड़ एक्स बराबर यह एक बटे दो है ना, अब इसको आप कॉस किसका मान एक बटे दो होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान एक बटे दो होता है, तो यहां पर लिख दीजिए 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, और अब जितना भी डिग्री है सबको आप बदल दीजिए रेडियन, हाँ डिग्री में नहीं रहना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मतलब पाई बाय 6 हो गया बराबर कॉस 60 डिग्री का मतलब कितना जी पाई बाय 3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, समझिए, तो
क्या बोले, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2m पाई प्लस माइनस अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पर देखिए, तो ये आपका थीटा है और ये आपका अल्फा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा के जगह पाई बाय 6 प्लस x बराबर अल्फा के जगह पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z, आपको तो x निकालना है, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, और ये पाई बाय 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू z। या तो आप ये आंसर ले लीजिए, समझिए, या फिर इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लीजिए, एक तो ये आपका आंसर हो गया, या आप इसको लिख सकते हैं और x बराबर 2n पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 एंड x इक्वल टू 2n पाई, इसको माइनस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 6 ले, पाई बाय 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझ गए, पाई बाय 3 प्लस माइनस दोनों में था ना, तो एक बार प्लस में ले लिया और एक बार माइनस। कहने का मतलब है x बराबर 2n पाई, यहाँ पर और लिख दीजिए, और 60 से 30 गया 30 प्लस पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू j, या x बराबर 2n पाई माइनस 60 और 30 90 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू j, ये आंसर। यानी कि आपका दोनों ही फॉर्मेट आंसर का हो सकता है, या तो ये आंसर आप लिख दीजिए या फिर इस आंसर को लिखिएगा, तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा, ये अकेला सही है, यदि इसको लिखिएगा तो यहाँ पर दोनों आपको लिखना पड़ेगा, समझिए। तो होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, और परेशानी हो भी कैसे सकती है। तो अब ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन को मैं नहीं बताया हूँ इसमें से, जो आपका हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन को बताया हूँ बच्चों, एक्सरसाइज आपका एक्सरसाइज 8.1, तो जो रेस्ट क्वेश्चन है आप इसको बना लीजिएगा, और यदि नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, तो सेशन को समाप्त करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू, इसको आप नोट कर लीजिए। आप लोगों को केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करना है। अभी तक मैं जितना थ्योरी बताया हूँ, यदि उस थ्योरी को पहले पढ़ के आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बनाइएगा तो बनेगा। यहाँ पर टोटल 5 टाइप है, हर एक टाइप से मैं आपको एक एक दो दो क्वेश्चन को बता दिया हूँ, और होप कि ये एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। फिर भी यदि आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन करके, कमेंट करके, या फिर आप ईमेल करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।